सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मिशन नॉलेज। तो आज हम लोग अल्फ़ाबेट नंबर्स को याद करने जा रहे हैं कि हम कैसे इनको याद रख सकते हैं। अल्फ़ाबेट नंबर्स को मैं ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आप अल्फ़ाबेट नंबर आपको इसको इस वीडियो को देखने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। देखिए, ए बी सी डी ये चार तो सबको याद रहते हैं और एक्स वाई जेड ये भी सबको याद रहते हैं। ए बी सी डी होता है 1 2 3 4 और एक्स वाई जेड होता है 24 23 24 25 और 26। और देखिए, जैसे आप ई को याद रखना है, देखिए 5 बजे इवनिंग होती है तो आपको ऐसे याद रख सकते हैं ई से 5 इवनिंग 5 बजे होती है इवनिंग, ई की वैल्यू हो गई 5। और ऐप ऐप को जैसे ये ऐप है, अगर इसको डिजिटली आप देखते होंगे तो 6 ऐसा बना होता है, तो ऐसे बना सकते हैं ऐप को तो ये 6 हो जाएगा। और जी जी को देख रहे होंगे ये 7 टैब बन रहा है तो 7। और एच एच जैसे ऐसे बन रहा है, अगर इसको ऐसे थोड़ा सा कर दें तो 8 हो जाएगा। और आई आई को आप कर्सिव में देखते होंगे ऐसी बनी रहती है तो आई से हो जाएगा 9। कर्सिव वाला आई आप याद कर सकते हैं, आई को याद आई का नंबर याद रखने के लिए। और जे जे को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ऐसे एक डंडा है और इस तरह हल्का सा घुमा दें जैसे जे है ऐसे, और इसको ऐसे घुमा दें थोड़ा सा तो ये ऐसे ही 10 ऐसे याद रख सकते हैं। के में देख पा रहे होंगे इस तरह दो डंडे रहते हैं तो उसको याद रख सकते हैं 11 से। एल एल जैसे इस तरह आपको इस तरह इसको बना दें, ये 2 2 ऐसे बनेगा तो ये इसको याद रख सकते हैं एल को 12। और एम एम को अगर इस तरह बना दें तो आप देख पा रहे होंगे 3 जैसे बन रहा है तो आप इसको याद रख सकते हैं 13, ये हो जाएगा 12। और देखिए एन एम के बाद एन याद ही रहता है ज़्यादातर, एम 13 तो एन 14 एम एन। और ओ रसगुल्ला आप देखते होंगे लॉकडाउन में 10 रुपये का मिलता था, पर लॉकडाउन के पहले 10 रुपये का मिलता था और लॉकडाउन में 15 का हो गया तो तभी से ओ की वैल्यू 15 इस तरह याद रख सकते हैं। और पी पी की पी को आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे पी है ऐसे बनता है तो आप इसको उल्टा इस तरह याद रख सकते हैं, उल्टा ऐसे 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 उल्टा पी तो ऐसे आपको कुछ इस तरह याद रहेगा। 16 ये 6 टैब बनता है तो 16 ऐसे याद रख सकते हैं। और क्यू क्यू को ऐसे है, आप क्यू को ऐसे करके याद रख सकते हैं 17 क्यू को ऐसे 17। और आर आज जैसे आर को 18 कैसे याद रख सकते हैं, ये है एक एक इस तरह डंडा है और इसको ऐसे घुमा दें तो 18 बन जाएगा, ये इसको आर को ऐसे याद रख सकते हैं। और एस एस को डिजिटली आप देखते होंगे ऐसा रहता है तो इस तरह मिला दें तो इस तरह हो जाएगा ये 19। और टी टी तो याद रहता है, T20 मैचेस होते हैं ऐसे तो उसको T20 ऐसे याद रख सकते हैं। और यू यू को जैसे यहाँ पर 2 2 बन जाए और ये 1 तो 21 यू। और बी ऐसे और ऐसे तो ये 22 हो जाएगा। डब्ल्यू डब्ल्यू को भी उल्टा इस तरह बना दें डब्ल्यू तो 3 जैसे हो जाएगा तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको 23। और एक्स और वाई और जेड आपको याद ही रहते हैं। आई होप आपको ये पूरे अल्फ़ाबेट नंबर याद हो गए होंगे, जैसे मैंने बताया उस तरह आप एक बार लिख के देखिए अपनी कापी में, आपको सब याद हो जाएंगे। और अल्फ़ाबेट अपोजिट कैसे याद रख सकते हैं, ए और जेड ज़्यादातर सबको याद रहते हैं, ए के अपोजिट में जेड। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं, बी वाई इसको ऐसे आप बाय से याद रख सकते हैं, बी वाई ई बाय। और सी के अपोजिट में क्या आता है, एक्स तो ऐसे याद रख सकते हैं क्रैक्स सी आर ए एक्स क्रैक्स। और डी डब्ल्यू को कैसे याद रख सकते हैं, डी ई डब्ल्यू ड्यू ड्यू से ऐसे याद रख सकते हैं डी डब्ल्यू को। ऐसे ई के अपोजिट में गाता है बी, इसको कैसे याद रख सकते हैं, ईव ईव मतलब उसको बोलते हैं जैसे क्रिसमस के पहले एक जो इवनिंग होती है उसको हम ईव बोलते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं ई के अपोजिट में बी। और जैसे ये एप है, एप के अपोजिट में क्या आता है, यू इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग, ऐसे फ्यू से फ्यू ये फ्यू एफ ई डब्ल्यू फ्यू नहीं फ्यू नहीं एफ यू एन फन फन से इसको याद रखेंगे एफ यू एन फन
ऐसे याद रख सकते हैं, यप के अपोजिट में होता है यू, और जी जी के अपोजिट में होता है टी। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, जी टी रोड से याद रख सकते हैं इसको, जी टी, जी के अपोजिट टी, और एच के अपोजिट में क्या होता है, ये यस, तो उसको याद रख सकते हैं हाई स्कूल, हाई स्कूल, SCHOOL, स्कूल। आई के अपोजिट में आर, इसको याद रख सकते हैं आप इंडियन रेलवेज, ठीक है, इंडियन, INDIAN, इंडियन रेलवेज, रेलवेज। और जे के अपोजिट में क्या है, क्यू, इसको कैसे याद रख सकते हैं, जे के अपोजिट में क्यू, जैक एंड क्यून। और के अपोजिट में क्या, पी, इसको कैसे याद रख सकते हैं, के अपोजिट में पी, के पी देखा आपने, कमला पसंद सुना होगा, या पी के फिल्म देखी होगी, ऐसे पी के अपोजिट में के, या के अपोजिट में पी, के पी या पी के, जैसे भी आपको याद रखना हो आप याद रख सकते हैं। जैसे यल के अपोजिट में ओ, यल के अपोजिट में ओ, तो आप इसको याद रख सकते हैं, यल ओ या लोल, लोल मतलब लाफ आउट लाउडर। एम के अपोजिट में एन, ऐसे ये तो याद ही रहता है, एम एन। देखिए फिर से एक बार मैं आपको बता दूं, ए के अपोजिट में जेड, बी के अपोजिट में वाई, बाय, ऐसे याद रखेंगे आप, बी के अपोजिट में वाई, सी के अपोजिट में एक्स, तो ऐसे याद रखेंगे क्रैक्स, डी के अपोजिट में डब्ल्यू, ऐसे याद रखेंगे ड्यू, ई के अपोजिट में बी, ऐसे याद रखेंगे ईप, एफ के अपोजिट में यू, तो ऐसे याद रखेंगे फन, जी के अपोजिट में टी, ऐसे याद रखेंगे जी टी रोड, जी के अपोजिट में टी, ये होगा जी टी रोड, आप कॉपी में लिखते जाइए। एच के अपोजिट में एस, एच के अपोजिट में एस, ये हो जाएगा हाई स्कूल, SCHOOL। आई के अपोजिट में आर, आई के अपोजिट में आर, INDIAN, इंडियन रेल बे, इंडियन रेलवे। जे के अपोजिट में क्यू, तो जैक क्यून, ऐसे बताया मैंने। के अपोजिट में पी, के पी, कमला पसंद है, पी के फिल्म जो है। एल के अपोजिट में ओ, ऐसे लोल, एल ओ एल लोल। एम के अपोजिट में एन, आई होप आपको सब अपोजिट भी याद हो गए होंगे, इनके अल्फाबेट के नंबर्स भी याद हो गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीज़ों को लाकर, जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।